अच्छा मुझे एक बात बताएं कि कौन सा गोश्त है जिसको मतलब आप खा तो सकते हैं बेच नहीं सकते, बेचना हराम है खाना हलाल है? खा सकते हैं, खाना हलाल है बेचना हराम है। आप पहले बताएं कहाँ से आए, कौन सी यूनिवर्सिटी से आए? बहरिया यूनिवर्सिटी से आया हूं। कौन सा ईयर है आपका वहाँ पे? मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ। थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ। अब बताएं वो कौन सा गोश्त है जिसको खाना हलाल है बेचना हराम है? यार मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ वहाँ पे। फिर भी बताएं तो सही, एक जनरल नॉलेज आपकी चेक करें, वो कौन सा गोश्त है जिसका खाना हलाल है और बेचना हराम है? खाना हलाल है बेचना हराम जी, इंसान का गोश्त ही हो सकता है, गइबत करके आप खा ले तो उसका गोश्त, लेकिन बेच नहीं सकता। मतलब आप हार गए, आपको नहीं आ रहा इसका आंसर? नहीं आ रहा तो नहीं, मैंने मानी नहीं, आप जबरदस्ती बोल रहे हो इसका। नहीं फिर बताएं ना, या तो आप ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जिसको जितना भी गर्म कर लो वो ठंडा रहता है, वो जितना ठंडा कर लो वो गर्म ही रहता है। वो तो टीचर ही है, टीचर है आपकी, गर्म है बड़ा हराम ही हो बेटा। तो वहाँ पे गर्मी तो बहुत होती होगी? फिर गर्मी तो बहुत है, एसी 16 पे चलता है फिर भी गर्मी नहीं रहती। आपका नाम क्या है? नाम मेरा, ये आपकी टीचर देखेंगी व्लॉग? हाँ मैं पर्सनल पे भी हूँ, फर्क नहीं होता उनके पास। लेकिन वो तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती, हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। अपनी तारीफ तो सुनेंगी ना भाई? मोहम्मद आरू नाम है वैसे मेरा, मैं टार्ट स्कूल से पढ़ा हूँ। अच्छा, बाकी ऐसा कोई सच वो है नहीं, इंट्रोडक्शन मेरा कोई बड़ा नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। आपने जो बात की उससे अलावा तो आप बहुत ज़्यादा वो फील हो जाएगा। और अब यहाँ पे आप क्या क्या देखा आपने, मतलब मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा तो बहुत आ रहा है। क्या क्या देखा आपने? तो 100 रुपये का चूना लग गया। 100 रुपये का चूना लग गया? किसने लगाया 100 रुपये का? अंदर क्या ना, गुंडा बॉयस, बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। डब्बे में 100 की हरी बत्ती डाल। कोई तरीका है भीख मांगने का? ये इन्हीं का ग्रुप है, इन्हीं का ग्रुप है यार। सर वो हाथ पढ़ने मेरा, लेकिन नक्शा बना के देखे। वो आपका हाथ नहीं पढ़ रही, जो मोजेस भाई है ना, आप आए ना सामने, इन्हीं का भाई का आइडिया ये, सुबह सवेरे इन्होंने आइडिया दिया है। ये मोजेस भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम मोजेस भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये भाई मोजेस है? मोजेस तो बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं है, ये इन्हीं के साथ ही चूना लगवा दिया। इन्हीं के भाई का जो है ना इरादे थे, वो है यार वो अजीब, मतलब लोग आपके भाई का आइडिया है ये यार, आइडिया जिसका भी मतलब वो बताने के बाद कह रहे हैं यार 100 रुपये दे के चले जाना, ये करने वाली बात? अभी किस्मत में मेरी शादी ना निकली ना, आप बताएं क्या कह रहे हैं? अगर किस्मत में मेरी 4-4 शादियां ना निकली, मैं नहीं दूंगा 100 रुपये। तो आप इतनी शरीफ बन के 100 रुपये दे क्यों रहे हैं? आप हमें 50 दे के दिखा दें, आप हमें 50 दे के बता दें तो लड़कियां होंगी, आपने दे दिया होगा? नहीं अभी तक दिया थोड़ी है। अच्छा देने इतने भी दिल फेंक थोड़ी है। अच्छा चलो चलो, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। गोश्त वाला? हाँ नहीं गरम वाला, गोश्त वाला भी दे दिया। क्या गरम वाला? गरम वाला तो टीचर है। चलो यार आप बता सकते हो वो कौन सा गोश्त, कौन सा गोश्त है जिसका खाना हलाल है और बेचना हराम है? यार ये लड़की का ही हो सकता है। बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये गलत जा रही है, दरवाजे दूसरे खुल गए। अपना कॉन्सेप्ट है, मेरा माइंड उसी तरफ जा सकता है। किस तरफ? चलो थैंक यू वेरी मच। बहुत मुश्किल हो रही है। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? दुआ। दुआ माशाल्लाह। अच्छा एक सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा गोश्त है जिसको खाना हलाल है बेचना हराम है? खाना हलाल है बेचना हराम है, गोश्त है ऐसा? हाँ तो गोश्त ही है, मैं उर्दू में ही बोल रहा हूँ। खाना हलाल है बेचना हराम है जी। घोड़े खाया कभी आपने? किसका गोश्त है? घोड़े का नहीं हो सकता। यार देखो सीक्रेट रखो, ये जिस जो जवाब बताएगा उसको एक फ्लावर मिलेगा, सनफ्लावर का है, बताना नहीं है मुझे आपने।